उस जामन बेचने वाले को मैं अपनी फूल सी बच्ची दे दूं? आंटी, इसका मतलब है वो आपका भांजा रयान है। क्या? पर वो तो मुझे कोई गंवार, उजड, कोई रीढ़ा खींचने वाला लग रहा था। नहीं आंटी, ये सिर्फ उसने बहरूप बदला था ताकि वो अपने हालू के दिल में अपने लिए जगह बना सके, और हमारा ख्याल है वो यकीनन इसमें कामयाब रहा होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, हाजरा भी उससे खुश थी, हो सकता है उसने हाजरा को अपनी असलियत बता दी हो। बिल्कुल यही बात है आंटी, जब मैं हॉलैंड में थी तो हाजरा का मेरे पास फोन आया था और वो रयान को पाकर बहुत खुश थी। ये तो सारा मसला ही हल हो गया। मैं तो रेहान के इस तरह मुड़ के जाने की खबर से परेशान हो गई थी कि अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी। बस इसी परेशानी में उसे फोन भी नहीं किया, किस मुंह से फोन करती। आंटी, मेरा ख्याल है आज आपकी तरफ ही चलते हैं, वहाँ रेहान से भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं और आने वाली सीध की खुशी में उन दोनों की मंगनी की तैयारी भी शुरू करवा देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे बड़ी ईद की खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मेरी बेटी हाजरा मेरी बहन की बहू बने। तो चले आंटी, देर नहीं करें। पता है इस बार इसे मेरे हाथों में मेहंदी कौन लगाएगा? जाहिर तुम खुद ही, या तो वो तुम्हारी दोस्त महू है, तो वो फिर और कौन? तुम और कौन? लेकिन मुझे तो मेहंदी लगानी नहीं आती। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी। मैंने तुझे पता है मैंने क्या फैसला किया है? शादी के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान चली जाऊंगी। मेरे दादी ये शादी कभी भी नहीं होने देंगे जब उनको पता चल जाएगा कि तुम मेरे हाला के बेटे हो। हाउएवर, आई डिसाइडेड कि तुम्हारी सैलरी थोड़ी ही सही तो पाकिस्तान जाके उसमें भी हम गुजारा कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर पहले ही काशिफ का फोन आया था, उसने मेरे मुताबिक आंटी को सब कुछ बता दिया। तस्करी, आपको और काशिफ अमान और डैडी से भी आखिरी बात भी कर ली जाए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, वो दोनों आंटी के साथ पहले ही तुम्हारे घर जा चुके हैं। चलो हम भी चलते हैं। हैं? कहाँ? घर, डैडी से आखिरी बात करने के लिए। चलो। कहे तो आज जिदे जामन वाले से हाजरा की मंगनी ना करते हैं। और हाजरा की इस सेवी को अपना मुगेतर जल्दी पूछती और फरमा क्या रही है कि जामन वालों की दवा, जो भी इस कारोबार में हाथ डालेगा वो खरबपति बन जाए। और काशिफ साहब, आप उस जेदे का बचपन का दोस्त फरमाते हैं कि जामन बेचने वाला देखा भला होता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम तो यहाँ तुम्हारे फैसले की तौसीक करने आए थे। मेरा फैसला? और मेरा फैसला तो ये है कि इस जामन वाले को आइंदा इस घर के आसपास टहलता हुआ भी देखना नहीं चाहता। आखिर हुआ क्या है? आपने खुद ही तो उसे हाजरा के लिए पसंद किया था। और मेरी आंखों पर पट्टी बंद गई थी और मैं अंधा हो गया था। अकल के अंधे तो तुम पहले ही थे, ये आंखों से अंधे तुम कब से हो गए हो? ये सारा किया दारा तुम्हारा है, तुमने मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश की थी, पर मेरे पास भी दो लोग हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अंकल, मिनरल से हाथों की उंगलियां नहीं गिनी जाती, उड़ती चिड़िया के पर क्या खाक गिनेंगे?
ये तुम सब लोगों की भूल है। जीती की असलियत तो खुल चुकी है। वो सिर्फ जामुन बेचने वाला नहीं बल्कि मेरी इस अकलौती बीवी का भांजा भी है। मैं उसे भी मायने ना करता। वो तो दानश्वर भी निकल आया। ये एक ऐसा जुर्म है जिसे कोई पाकिस्तानी माफ नहीं कर सकता। आइए आइए जेदा साहब सुनाइए, आजकल जामुन कितने रुपए पाव मिलते हैं? जेदा मैं जेदा जामुन वाला नहीं हूं। देखा देखा बरखरदार, आप खुद ही तकलीम कर रहे हैं कि ये वो जेदा जामुन वाले नहीं हैं। फिर कौन है, क्या है, अभी पूछ लेते हैं। हां तो बरखरदार, मैं रियान हूं और दानश्वर हूं। हां तो फिर दानश्वर साहब, वो सामने रहा दरवाजा, हाजरा का रिश्ता आपको नहीं मिल सकता। कहो तो मैं छोड़कर आऊं। Is there anyone here in my favor? हम तो तुम्हारे साथ हैं। और इनके कहने पर तुम अपना कदम आगे ना बढ़ा लेना। ये काम तुमसे पहले हमारे एक चाचेदान कर चुका है। Politician will only take political steps. I mean, true lovers will only take true and wise steps. जो रेहान हम चलते हैं, हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान भी जाके शादी कर लेंगे। ठहरो रेहान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मामा मिलर तुम भी? ये कोई शेक्सपियर का ड्रामा नहीं हो रहा। मामा मामा मिलर तुम भी? रुक जाओ हाजरा, मैं और काशिफ भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, और ये वो पहली ईद होगी जो हम अपने वतन में मनाएंगे। और मैं तो पहले ही अपनी बेटी के साथ हूँ। ओ खैर है, इतने बड़े घर में पलेखी के साथ शादी। मम्मा मेरा मतलब यह है कि पलेखी की शादी ठाठ उससे करके इनके बच्चों के साथ भी तो रह सकता हूँ ना। मैं किसी ऐसे वैसे मालिक के घर में नहीं रह सकता जिसकी नजर मेरी बीवी पर हो। नहीं नहीं, हम तो वहां रहेंगे जहां हमारी बेगम साहबा रहेंगी। और मैं अपनी सारी दौलत चार फाउंडेशन को दे दूंगा और वो ये दौलत एड्स तालीम कैंसर पर खर्च कर देंगे, फिर अच्छे रहोगे। चैरिटी और तुम, ये कभी हो ही नहीं सकता। तुम तो अपनी सारी दौलत अपने साथ कब्र में लेके उतरोगे। लगता है क्रिश्चियन लोगों के साथ रहते रहते तुम्हें भी उन्हीं का असर हो गया है। आओ बच्चों मेरे साथ। ओए, वो मुझसे कराया तो लेते जाओ। और मेरा मतलब है साथ में बड़ा आदमी होना चाहिए जो कराया भाड़ा देने वाला। रहने दो अपना कराया भाड़ा अपने पास। मेरी तो जान ही कट लिया। चलो आज मैं भी तसली फाजली हो गया हूँ। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, बिखर जाने को जी चाहता है तेरे कदमों में। डैडी आहिल, अब चाहते क्या है? और मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ पुत्र, और की चाहता हूँ। मगर किसे? और इससे हिप हिप,